Hello everyone, this is Mayank Kothari and today I'm going to discuss with you one of the great initiatives that we have taken and launched yesterday itself. Now this is all about the CA final classes. Jitna bhi aapka kharcha hota hai CA final ki classes pe, usko aap kafi had tak bacha sakte hain. Tarika kya hai, ye main aapko batata hoon. Let me tell you something about the Conferenza.in website. This website was launched in 2016 and at the time only my video lectures was selling at that platform, and today almost 40 top faculties from the entire country are selling their CA final video lectures. Pen drive ho, Google Drive ho, jitne bhi modes available hai unke video lectures ke, they are available on the Conferenza.in website. So at this moment when this website has all the faculties, all the topmost faculties who are selling in the pen drive mode, the video lectures mode on this platform, हम लोगों ने एक तरीका निकाला जिससे आप क्लासेस की फीस को बचा सकते हैं. क्योंकि आपको क्लासेस लेनी है, आप कोई भी फैकल्टीज की क्लासेस लीजिए, आपके ऊपर है. मैं किसी फैकल्टी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ और मैं ना ही क्लासेस की मार्केटिंग कर रहा हूँ. मेरा मुद्दा यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन है जो आपको ऑफर करने में है. अब मैं जो ऑफर करूंगा आपको, दैट विन विन सिचुएशन इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन सेव द क्लास फीस. सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट. देर इज अ प्रोग्राम दैट वी हैव लॉन्च्ड यस्टरडे ऑन दिस वेबसाइट. इट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्रेंसा प्राइम. दिस प्राइम मेंबरशिप विल बी देयर जो आपको लेनी पड़ेगी अगर आप कॉन्फ्रेंसा से वीडियो लेक्चर्स खरीदते हैं तो. अब इसके बेनिफिट क्या है मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से ये आपको क्लासेस की फीस को सेव करने में मदद करेंगे. एक मैंने पोल करवाया था टेलीग्राम पे और टेलीग्राम चैनल में, उसमें मैंने यही पूछा था बच्चों से कि अगर कुछ ऐसा लाया जाए कि बच्चे जो भी क्लास की फीस पे करते हैं अगर वो क्लासेस वो सब्जेक्ट में या तो एग्जम्पशन आ जाए या तो रैंक आ जाए तो क्लास की फीस का कुछ हिस्सा उनको एज अ रिवॉर्ड दिया जाए तो आइडिया कैसा रहेगा. The idea was appreciated by 98% students. Almost 500 से 600 votes थे अभी तक के, मैं आपको बता देता हूँ. 624 votes are there and 98% students are appreciating this entire initiative. And because of that we have launched this entire scheme. तीन ऑप्शन है कॉन्फ्रेंसा प्राइम में. अब आज से लेके मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कॉन्फ्रेंसा की वेबसाइट पे कोई भी वीडियो लेक्चर किसी भी फैकल्टी के ऑर्डर करते हैं इसके पहले मेंबरशिप ले लो, फ़ायदा है. और मैं ये आपके साइड से बोल रहा हूँ, मैं कॉन्फ्रेंसा के साइड से नहीं बोल रहा हूँ. किस तरह से फ़ायदा है ये मैं आपको अभी बताऊँगा. सो देर आर थ्री बेसिक मेंबरशिप टाइप्स दैट आर अवेलेबल. एक है सिल्वर ग्रुप वन, एक है सिल्वर ग्रुप टू और एक है गोल्ड बोथ ग्रुप. सो अगर आपको सिर्फ ग्रुप वन ही बाकी है या ग्रुप वन ही देना है, सो गेट अ मेंबरशिप ऑफ सिल्वर ग्रुप वन एंड देन बाय द वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल द फोर सब्जेक्ट्स और वॉट एवर सब्जेक्ट्स आर देयर, जो भी आपको खरीदना है. सेम चीज सिल्वर ग्रुप टू के लिए अप्लीकेबल है. अगर आप ग्रुप टू के वीडियो लेक्चर्स खरीदना चाहते हो तो पहले मेंबरशिप लो या किसी भी पहले प्रोडक्ट के साथ में आप मेंबरशिप खरीद लो एंड देन बाय द वीडियो लेक्चर्स. सो बोथ ग्रुप है तो फिर गोल्ड, गोल्ड वाला ऑप्शन है, गोल्ड मेंबरशिप विल बी देयर. नाउ सिल्वर वाली जो ग्रुप वन और ग्रुप टू की मेंबरशिप है, इट विल कॉस्ट यू ओनली 1400 रुपीस. 1400 रुपए की अमाउंट रहेगी आपकी ये सिल्वर वाली. सो ग्रुप वन लो 1400, ग्रुप टू लो 1400, और अगर आप बोथ ग्रुप लेते हैं तो 2500 विल बी द कॉस्ट. सर आपने तो यहाँ पैसों की बात कर दी, अब हमको समझ में आ गया. अब आप मेंबरशिप का लालच देखे पैसे लेंगे. सर पैसे आएंगे, आप पैसा पे करोगे इन सिल्वर या गोल्ड मेंबरशिप के लिए. एंड जस्ट होल्ड ऑन अ वाइल, आई विल टेल यू द बेनिफिट्स अबाउट इट. ठीक है, लेट्स कम ओवर टू दिस टॉपिक. ध्यान देंगे अब आप अगर एक बार प्राइम मेंबरशिप लेते हैं कोई भी सिल्वर वाली या गोल्ड वाली, आपके पास में तीन बेनिफिट मिलेंगे आपको इसमें. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स से वी आर अज्यूमिंग, आई एम अज्यूमिंग दैट आप गोल्ड मेंबरशिप लेते हो फॉर एन एग्जांपल. सो इट विल कॉस्ट यू 2500 रुपीस. बाय दिस गोल्ड मेंबरशिप बिफोर बाइंग द वीडियो लेक्चर्स, या बाय दिस गोल्ड मेंबरशिप वाइल बाइंग द फर्स्ट वीडियो क्लास ऑन दिस प्लेटफॉर्म. क्योंकि जब से आप मेंबरशिप लेंगे उसके बाद से जितने भी आपने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं या फिर आपने वीडियो लेक्चर्स खरीदे हैं उस पे ये अप्लीकेबल होगा, पुराने इस पे अप्लीकेबल नहीं होता. सो पहला बेनिफिट और
स्ट्रेट अवे बेनिफिट मैं बताता हूँ, दैट इज अबाउट द एग्जाम फी स्कॉलरशिप। अगर आप बोथ ग्रुप लेते हैं और जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, आपने बोथ ग्रुप की मेंबरशिप ले ली, आपने क्लासेस ले ली यहाँ से, और उसके बाद में जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो कॉन्फ्रेंसा आपको आपकी एग्ज़ाम फीस का, बोथ ग्रुप की जो एग्ज़ाम फीस है एज ऑफ नाउ वो है, रुको कहाँ है मैं बताता हूँ, हाँ बोथ ग्रुप की जो एग्ज़ाम फीस है दैट इज़ 3300, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3300, ये आपको एज अ स्कॉलरशिप वापस दी जाएगी स्ट्रेट अवे। सो 2500 पे किया, 3300 मिला, दैट्स इट, सिंपल। इस मेंबरशिप की वैलिडिटी 4 साल की है, जब भी आप खरीदते हो वहाँ से लेके 4 साल के अंदर तक। अब मैं जनरली क्या होता है, 3-2.5 साल में आप एग्ज़ाम दे पाते हो इंटरमीडिएट के बाद में, और एक अटेम्प्ट और ले लो तो 3 साल हो गए, और उसके बाद में मैं और 2 अटेम्प्ट लेके चलता हूँ। सो मैक्सिमम 3 से 4 अटेम्प्ट इसमें कवर होते, उससे ऊपर नहीं कर सकते। सो 4 साल तक ये वैलिड है आपकी मेंबरशिप। सो आपने 2500 दिए, उसके बाद में 4 साल के अंदर में आपने वीडियो लेक्चर्स भी खरीदे, और उसके बाद आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम फीस आप भर दो, एग्ज़ाम फॉर्म आप भर दो, उसके 15-20 दिन के अंदर आप अप्लाई कर दो। यू जस्ट हैव टू मेल अस एंड यू जस्ट हैव टू टेल लाइक मेल अस द डॉक्यूमेंट एंड 3300 विल बी गिवन टू योर बैंक अकाउंट, नो मोर कॉल्स ऑन दैट। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंडीशंस इस पे हैं, जो जो है मैं आपको अभी बता दूंगा। और अगर सिल्वर मेंबर हैं आप, यानी एक ही ग्रुप लिया है जिसमें आपने 1400 पे किया है, सो एग्ज़ाम फीस स्कॉलरशिप में आपको उसी ग्रुप की फ़ीस वापस मिलेगी, दैट इज़ 1800 रुपीज़। एज ऑफ नाउ दिस इज़ द फीस विच हैज़ बीन फिक्स्ड, 1800 एंड 3300। सो ध्यान देंगे कंडीशन क्या है सर, कंडीशन सिर्फ इसी में है एग्ज़ाम फीस स्कॉलरशिप में, जहाँ पे आपको सारा का सारा, मतलब आपको आपके आपने जितना दिया उससे ज़्यादा पैसा वापस मिलेगा, वन थिंग। इसके बाद जो 2 बेनिफिट है उसमें तो कंडीशंस भी अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ एक ही इसमें एक ये कंडीशन से, ध्यान देंगे। अगर आपने आप सिल्वर मेंबर हो, यानी कि आपने किसी भी ग्रुप के लिए ये मेंबरशिप ली है, तो उस ग्रुप के 3 रेगुलर बैच वीडियो लेक्चर्स आपको कॉन्फ्रेंसा की वेबसाइट से लेने हैं, बस सेम प्राइस पे मिलेंगे। आप कहीं और से भी लेंगे वही प्राइस पे कॉन्फ्रेंसा पे मिलेंगे। कभी भी अगर ऐसा होता है कि कोई और जगह पे या वेबसाइट पे, बेसिकली मैं आपको ऑफलाइन सेंटर्स तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वहाँ पे प्राइस वेरी करती है, तो अगर आपको कोई भी और वेबसाइट पे कम प्राइस में मिलता है कॉन्फ्रेंसा की, तो यू कैन इंटीमेट अस एंड वी विल गिव यू ऑन दैट प्राइस। वी विल मीन्स कॉन्फ्रेंसा विल गिव यू ऑन दैट प्राइस। मैं इन सब में देखता नहीं हूँ, मेरे को बस एक मेरे मीडियम के थ्रू मैं आपको ये तक यहाँ तक ये चीज़ पहुँचा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंसा उसी प्राइस पे आपको देगा। सो कहने के लिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि सेम प्राइस पे आपको वो वीडियो लेक्चर्स खरीदें। 3, अगर आप बोथ ग्रुप के मेंबरशिप लेते हैं तो 8 में से कोई भी 6 वीडियो लेक्चर्स आपको इसी वेबसाइट से खरीदने, कोई भी 6। ये एक चीज़ हो गई, बस कंडीशन इतनी है सर, और कुछ भी कंडीशन नहीं है। रेगुलर बैच वीडियो लेक्चर्स आपने लेने हैं, आप वैसे भी लेते तो कहीं और से लेते, आपको बस यही कंडीशन है कि आपको लेना यहाँ से है। उसके बाद सर ये प्रोसीजर और स्टेप्स है, इसके लिंक मैं इमेज की यहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये प्रोसीजर जानने के लिए कि कैसे आप ये वापस पैसे ले सकते हैं। सो एक बार तो ये हो गया, कहानी ख़त्म। अब आपको क्लियर कट यहाँ पे लॉजिक बैठ रहा है कि सर मैंने 1400 दिया तो 1800 मिलने हैं, 2500 दिया तो 3300 मिलने हैं, द ओनली कंडीशन इज 3 और 6 वीडियो लेक्चर्स, फाइन। दूसरा बेनिफिट है सर एग्जम्पशन अचीवर्स बेनिफिट। आपने जिस दिन से मेंबरशिप ली उसके बाद जितने भी वीडियो लेक्चर्स खरीदे उस मेंबरशिप के अंदर में, जैसे ग्रुप वन है तो ग्रुप वन के जितने भी आपने खरीदे, या बोथ ग्रुप है तो सारे सब्जेक्ट में अप्लीकेबल हो जाता है। जिस भी पेपर में या एग्जाम में आपको एग्जम्पशन आएगा उस सब्जेक्ट के लिए कॉन्फ्रेंसा विल रिवॉर्ड यू विथ ₹5000 पर सब्जेक्ट। सो अगर 8 सब्जेक्ट में से आप 2 में भी एग्जम्पशन ला पाते हैं तो आपको ₹10,000 दिया जाएगा। अगर आप 8ों में लाते हैं दैट बिकम्स ₹40,000 दैट विल बी क्रेडिटेड टू यू ऑन योर बैंक अकाउंट। सो दिस बेनिफिट क्लियरली शोज दैट कि हाँ ये बहुत आगे लेवल तक आपको लेके गया है फॉर द अमाउंट दैट यू आर पेइंग टूडे। बट एक चीज़ है जो मैं आपके साइड से आके बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पे, सो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको लगता है एग्जम्पशन आ सकता है सर तो गो अहेड फॉर दैट थिंग, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस। नाउ
एक और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम सब्जेक्ट खरीदना ही पड़ेगा या नहीं खरीदना पड़ेगा, ध्यान देंगे। इसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा जो इसमें से आप मतलब खेल सकते हैं। रैंकर्स रिवॉर्ड की बात करता हूँ, अगर आपको रैंक आता है, आपने मेंबरशिप ले ली, आपने सब्जेक्ट्स भी ले लिए, और अगर आपको रैंक आता है और आपने अगर 8 सब्जेक्ट यहाँ से खरीदे हैं कॉन्फ्रेंजा से, 8, तो यू विल गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख रुपीज़, एंड आई थिंक दैट विल गो स्लाइटली अबव द फीस दैट यू हैव पेड। सो आपकी फ़ीस आती है 80-90 हज़ार की मान लो, या 1 लाख की, तो 1 लाख रुपए आपको वापस सारे के सारे मिल जाएंगे। दिस इज़ हाउ यू कैन सेव द एंटायर क्लास फीस। सो दिस इज़ अ रिवॉर्ड बाय द कॉन्फ्रेंजा दैट यू आर अ कॉन्फ्रेंजा स्टूडेंट, एंड आप कॉन्फ्रेंजा के मेंबर होने के नाते कॉन्फ्रेंजा इज़ रिवॉर्डिंग यू बिकॉज यू गॉट अ रैंक। और अगर आपने 8 सब्जेक्ट नहीं भी खरीदे, कोई भी एक सब्जेक्ट खरीदा ना, उस एक सब्जेक्ट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई कंडीशन नहीं है सर, कितने भी सब्जेक्ट खरीदो, जितने भी सब्जेक्ट आपने खरीदे हैं हर सब्जेक्ट के लिए यू विल गेट 10,000 रुपीज़ इफ़ यू गेट अ रैंक। सो 10,000 × 7 70,000, और अगर 8 खरीद लिए तो 10,000 × 8 नहीं, 80,000 नहीं होगा, वो सीधा 1 लाख होगा। सो दिस इज़ वॉट द डिफरेंस इज, एंड देर इज़ नो कंडीशन इन दीज टू। बट यस, इट्स ऑब्वियस दैट रैंक लाना इट्स अप टू यू, बट एग्जम्पशन लाना इट्स अप टू यू। आई फील सम हाउ अगर आप इसको मोटिवेशन की तरह लेके चलेंगे तो रैंक आने में वो नहीं रहेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। बट यस, हम भी जानते हैं ये चीज़ कि रैंक सबका नहीं आएगा, एंड ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट। चलो मैं मान के चलता हूँ सर, आपका रैंक आ गया और एग्जम्पशन आ गया तो आपको क्लियर कट दिख ही रहा है। अच्छा, रैंक आ गया तो ये एग्जम्पशन अचीवर बेनिफिट ऐसे ही हट जाता है, बिकॉज फिर आपको ऐसा नहीं कि वो 1 लाख और ये 40,000 दोनों मिलेंगे, नहीं, एग्जम्पशन अचीवर बेनिफिट खत्म हो जाएगा, आपको सिर्फ 1 लाख मिलेंगे वहाँ पे, या 10,000 पर सब्जेक्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है, रैंक नहीं आया और एग्जम्पशन आया तो 5,000 पर सब्जेक्ट मिलेगा, सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। एग्जम्पशन अचीवर बेनिफिट या रैंकर्स रिवॉर्ड हो, एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, कितने भी आप खरीदो, नहीं भी आता सर, गिरी से गिरी हालत में मान के चलो, सर मेरा एग्जम्पशन भी नहीं आया, मेरा रैंकर्स रिवॉर्ड भी नहीं आया, मतलब मेरा रैंक भी नहीं आया, एग्ज़ाम फीस तो आपने देनी ही है कोई भी हालत में, एग्ज़ाम तो आप दोगे ही दोगे। एंड दिस इज़ वाई यहाँ पे आपने जितना भी पे किया मेंबरशिप के लिए वो सारा रिकवर हो जाता है एग्ज़ाम फीस में। दिस इज़ लाइक कन्फर्म बेनिफिट, दिस इज़ डिपेंडेंट बेनिफिट। सो 3 में से मैंने जो आपको पहला बेनिफिट बताया दैट इज़ कन्फर्म बेनिफिट, बाकी 2 जो है वो डिपेंडेंट बेनिफिट है। जिसमें कन्फर्म बेनिफिट है उसमें सिर्फ एक कंडीशन कि आपको 6 क्लासेस खरीदनी पड़ेगी बोथ ग्रुप है तो। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि सर ये जो 6 क्लासेस वाली आपने कंडीशन बताई है ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव है, तो इसकी चीज़ें, इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। देखो, एक चीज़ है, इतना सारा जो फंडिंग है, ठीक है, ये जो फंड्स है ये कहाँ से कलेक्ट होगा, ये सर क्लासेस की फीस जो आप पे करते हो उसी से कलेक्ट होगा। लेट मी बी फ्रैंक विथ यू, मैं आपको कोई ऐसा जादू वादू या फिर बहुत ही ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि ये सारा पैसा मैं अपने जेब से देने वाला हूँ या कोई चैरिटी कर रहा हूँ, नो सर, ये आप ही से लिया गया पैसा रहेगा, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैलकुलेशन का खेल है सारा का सारा। तो मैं बात कर रहा था सर इसकी, अगर आपको लगता है छः, क्योंकि 6 का 6 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट का कंडीशन तभी डाला गया, तभी ये जो 6 और 3 के कंडीशन डालेंगे तभी बाकी की 2 जगह पे फीस पे करने में मदद मिलेगी। चलो आपको लगता है सर 6 सब्जेक्ट नहीं खरीदना, 3 सब्जेक्ट नहीं खरीदना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका नुकसान क्या होगा, सिर्फ एग्ज़ाम फीस स्कॉलरशिप का। आप 6 सब्जेक्ट मत खरीदे, आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट खरीदा, मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट खरीदा और गोल्ड मेंबरशिप ली थी और आपका रैंक आ गया, तो सर आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, वो अभी भी आपकी मेंबरशिप फीस से ज़्यादा है। अगर आपका एग्जम्पशन आया, रैंक नहीं आया, एक ही सब्जेक्ट खरीदा और एग्जम्पशन आ गया, तो एग्ज़ाम फीस तो नहीं मिलेगी, रैंकर्स रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जम्पशन अचीवर्स बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, दैट इज़ 5,000। तीनों केस में किसी भी एक में अगर आप फंसते हो तो आपका पूरा पैसा वापस रिकवर होता है। सो दिस इज़ अ गुड बेट दैट यू कैन प्लेस ऑन। तो सर ये सारा है, इसके में जो कंडीशंस और प्रोसीजर्स है ये मैं आपको इसके लिंक इमेज के मैं दे दूंगा गूगल, सॉरी डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में, यू कैन गो अहेड, यू कैन शेयर विद फ्रेंड्स, देर आर नो हिडन कंडीशंस विद दिस। और क्या चीज़ें बतानी है इसमें, आई थिंक दिस इज़ इनफ।
तो अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो ना दिमाग लगाना शुरू करते थे, इनमें इनका क्या बेनिफिट, ये हमारा बेनिफिट तो हर कोई दिखाएगा, इनमें इनका क्या बेनिफिट, ध्यान देंगे बेनिफिट है, सारा कैलकुलेशन का खेल है, मैं डिनाई नहीं करूँगा बिल्कुल भी, और अप फ्रंट मैं आपके साथ में ही मिल के बात कर रहा हूँ ये चीज़ें कि इसमें बेनिफिट है, कंपनी का भी है आपका भी है, एंड बेनिफिट किस तरह से मैं ये भी बताता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल सा बेनिफिट है, ये एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो मेरे लिए बेनिफिट है या कंपनी के लिए बेनिफिट है, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, रिस्क एंड रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। सो इस केस में रिस्क बहुत ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, बस और क्या है सर। सिंपल तरीके से अगर मैं वापस से आपको बताऊं तो आप सिल्वर ग्रुप सिल्वर मेंबरशिप के लिए 1400 पे कर रहे हैं, गोल्ड के लिए आप 2500 पे कर रहे हैं, और वो आपको एग्ज़ाम फॉर्म जब आप भरोगे वन टाइम आप क्लेम कर सकते हो। आप बोलोगे सर मैं फेल हो गया, मैं फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरा तो उसका भी पैसा मिलेगा क्या? नहीं सर, बार बार नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत है ना, एक बार भी तो आपको मेंबरशिप के ऊपर ही जा रहा है वो फीस, सो एक ही बार मिलेगा आपको। बोध ग्रुप है तो बोध ग्रुप का आपको क्लेम करना पड़ेगा, एक ही साथ क्लेम करना पड़ेगा सर। और सर ऐसा कोई कंडीशन है क्या कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होना चाहिए? नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है ऐसी, कोई कंडीशन नहीं है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होना चाहिए, पास वाली तो कोई कंडीशन है ही नहीं। फेल होके भी एग्जम्पशन आता है तो 5000 मिलेंगे सर, रैंकर्स में तो पास होना ही पड़ता है, तो मैं इसके बारे में बोल ही नहीं रहा हूँ। और सर कोई कंडीशन कि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आया तो मिलेगा क्या? मिलेगा, आपको तब तक मिलेगा जब तक आपके 4 साल की वैलिडिटी ख़त्म नहीं हो जाती। सो दिस इज द कंडीशन, ये तो है सर, 4 साल की वैलिडिटी ख़त्म से सब कुछ ख़त्म। सो आपके पास में एक टाइम लिमिट है 3 से 4 अटेम्प्ट की, आई थिंक दिस इज इनफ, मोस्ट ऑफ द बच्चे उसमें निकल जाते, कुछ रह जाएंगे खाली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइम, आई होप यू विल टेक द बेनिफिट ऑफ इट। कहीं से भी आप क्लासेस करें तो आपको सेम प्राइस पे मिलनी है, दिस इज़ काइंड ऑफ इंश्योरेंस दैट यू आर मेकिंग ऑन दिस, दैट अगर रैंक आ जाता है तो सर आप ही का फ़ायदा है, अगर एग्जम्पशन आ जाता है तो आप ही का फ़ायदा है। और ये बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर आपको कहीं भी घुमाना फिराना लग रहा होगा तो मैं आपको एक ही चीज़ समझा देता हूँ, आप ही की साइड से होकर समझाता हूँ सर, ये है कैलकुलेशन वाला खेल। यहाँ पर 100 बच्चे आएंगे, 100 लोग मेम्बरशिप देंगे, और 100 लोगों में से खाली 5 से 10 लोग को ये पैसा जाएगा एग्जम्पशन वाला या रैंकर्स वाला। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कट बताता हूँ, एग्ज़ाम फीस स्कॉलरशिप जो है 100 में से 100 को जाएगा, कोई इसमें हिडन चीज़ नहीं है, तो इसमें तो 100 में से 100 को जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो कॉन्फ्रेंसा की रहेगी, बट एग्जम्पशन और रैंकर्स 100 में से सिर्फ 10 लोगों को जाएगा। दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंटायर थिंग। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस, अगर आपके मन में आता है कि कोई क्वेश्चन है या कुछ पढ़ना है, कंडीशंस वगैरह है, तो ये सारा आपके साथ में वैसे भी शेयर किया जाएगा वर्ण, और अगर आपको पूछना भी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको एक ईमेल आईडी दे देता हूँ, उस पर आप मेल डालिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा, support@conferenza.in। गो अहेड विद दिस ईमेल आईडी, फील फ्री टू ड्रॉप द मेल, 1 से 2 दिन मैक्सिमम लगेंगे, आपको रिप्लाई आ जाएगा आपके हर डाउट का। आपको 10 बार लगता है, आप 10 बार पूछो। अगर आपको कॉल करना ही है तो कॉल के लिए अभी नंबर फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि ये कल ही प्लान लॉन्च किया है वेबसाइट पे, तो नंबर आई थिंक उसके लिए अलग रहेगा, अगर सेम नंबर है तो वो 787-55 ऐसा कुछ तो है, 440-44 है, बट अदरवाइज़ ये नंबर नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, बाकी वीडियो लेक्चर जो खरीदते हैं, प्राइम के लिए कोई एक अलग नंबर रहेगा, ये मैं थोड़े टाइम में अपडेट कर दूंगा वेबसाइट पे। सो गो अहेड विद दिस प्लान, आई होप दिस प्लान विल हेल्प यू आउट, एंड आप लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस ले ली होगी तो मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसे। फिलहाल ये मेंबरशिप का जो पूरा प्लान है ये सिर्फ CA फाइनल तक रिस्ट्रिक्टेड है, CA इंटर या फाउंडेशन पे ये अप्लीकेबल नहीं है। आगे जाके धीरे धीरे इसका ये अगर सक्सेसफुल होता है तो इंटर और फाउंडेशन पे भी इसको मैं लॉन्च करूँगा, एंड लेट्स सी, आप लोग मिलेंगे मैं मिलूँगा तो कुछ बेनिफिट के लिए किया जा सकता है। लेट मी क्लियर वन थिंग अबाउट इट, जितना भी पैसे की बात कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है आपके साथ, जितना भी पैसा कंपनी में आता है ये पैसा 3 जगह पर जाता है सर,
कुछ परसेंटेज इसका स्टाफ के लिए जाता है. स्टाफ इंक्लूड्स एवरीथिंग, आईटी कंपनी एंड ऑल द एक्सपेंसेस, स्टाफ एंड एक्सपेंसेस बोल सकता हूँ मैं इसमें. और मेजर जो पोर्शन होता है, आई विल से अराउंड 80% ऑफ द पोर्शन जो है, ये नई नए प्रोजेक्ट्स में जाता है. ये नए प्रोजेक्ट्स में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये हमारा डिसीजन है. जैसे अभी रिसेंटली एमसीक्यू वाला एक ऐप लॉन्च किया गया. एमसीक्यू वाले ऐप में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगी है. क्यों? एक तो उसको डेवलप करने में कॉस्ट लगी, और उसके बाद में जो उसके अंदर एमसीक्यूज डाले गए, ये सारे एमसीक्यूज बनाए गए. मोस्टली एमसीक्यूज जो बोल सकते हो 90% 95% एमसीक्यूज बनाए गए, बाकी 5% एमसीक्यूज लोगों की परमिशन ले लेके डाले गए. तो और हर एमसीक्यू के लिए 15 रुपये 20 रुपये ऐसी कॉस्टिंग बियर की गई है. सो वो कॉस्टिंग भी 2.5-3 लाख के आसपास कम से कम है डेटाबेस की. और फिर आप ऐप बनाने में तो लगी जाता है. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़. 80% वहाँ जाता है और कुछ फिर 5 से 10% बचता है. स्टार्टिंग में तो वो नहीं बचा था, इस साल बचने की उम्मीद है, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ. तो वो ओनर्स के खाते में जाएगा. एवरीबडी इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस. बिजनेस हो अच्छी बात है, लेकिन विन विन सिचुएशन हो वो सबसे बेस्ट बात है. सो आई बिलीव इन दिस विन विन सिचुएशन एंड आई होप यू विल ऑल्सो लर्न मोर अबाउट इट. एंड आपकी भी लाइफ में जब अगर आप कोई बिजनेस करें या आप कहीं इन्वेस्ट करें, तो कुछ ऐसा ही सोचें, क्योंकि आप जब आप कुछ नया लेके आते हैं तब आप सक्सेस ज़रूर हासिल करते हैं. बाय बाय.